तो फ्रेंड्स आज चल रहा है हमारे गार्डन की थोड़ी साफ़ सफाई और कटिंग की जा रही है। हमारे जो गुलाब हैं उनकी कटिंग की जा रही है, इनको टाइम टाइम पे काटा जाता है ताकि जो है इनकी जो नई डालियां आएँ उन पे और अच्छे फूल आएँ। तो इन जो गुलाब हैं हमारे, गुलाब के फूल आए हुए हैं वैसे भी, लेकिन अभी इनका कटना ज़रूरी है, कटिंग करना ज़रूरी है। सभी गार्डन में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये आरओ जो है इन पौधों की जो मिट्टी है उनको पोला कर रही है और उनमें अभी डालेगी ये कंपोस्ट खाद। उसमें तो जो है चल रहा है कटिंग गुलाब की। ये देखो स्केटर की सहायता से जो है इनकी कटिंग की जा रही है। स्केटर काम में लेते हैं इसको कटिंग करने के लिए, इससे आसानी से कट जाता है, जहाँ से काटते हैं वहाँ से कट जाता है। और वो उधर डब्बू लाल अपना डब्बू जो है म्यूजिक सिस्टम लेके और प्यों प्यों कर रहा है। अरे फंस गया भाई मैं, कैसे निकलूँगा? ये देखो यहाँ पे बदमाश, ये यहाँ पे ये बैठा हुआ है सीढ़ियों पे और एंजॉय कर रहा है। ये कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको, ये बता रहा है कि हम जो है गार्डन की साफ़ सफाई और गार्डन में गुलाब के पौधे हैं उनकी कटिंग की जा रही है, ऐसे बताना चाहता है, ऐसे बताना चाहते हो ना? ये समझ गए आप मेरी बात, समझ गए, ये तो कहना चाहता था मैं। ठीक है भाई, अपना गार्डन इधर चल रहा है काम सारा, पूरा टाइम लगी हुई है। और ये काम जो इनके इंटरेस्ट का है, इनको किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया गया है, ये काम करना है इनको अपने इंटरेस्ट से करते हैं। और इनकी वजह से ही ये जो गार्डन है इतना अच्छा, इतना मस्त हो रखा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक विजिट करा देता हूँ छोटी सी, कि गार्डन में जो है इनकी मेहनत की वजह से गार्डन कितनी रौनक आई हुई है। ये चीकू के पौधे बड़े बड़े हो गए, चीकू आ रहे हैं इनके, गर्मी में पक जाएंगे, खिलाएंगे आप सबको। और ये अमरूद के पौधे हैं, नीचे देखो लोन घास लगी हुई है, लोन घास की भी कटिंग अभी करना बाकी है, बड़ी बड़ी हो गई है। और ये इधर जो है ये अंगूर की बेल है, इसकी छपाई के लिए टपरी बना रखी है। और ये इधर कटिंग चल रही है, कटिंग का काम। इधर जो है कॉर्नर पे लगे हुए हैं गुलाब के पौधे, इधर कटहल का पौधा, और ये इधर गमलों में कुछ फुलवारी के पौधे लगे हुए हैं। और इधर ये है भी अपनी नर्सरी का ब्लॉक, इधर नर्सरी का डिपार्टमेंट, इधर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, फलों के फूलों के सभी प्रकार के सजावटी सारे पौधे इधर तैयार किए जाते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, बेचा नहीं जाता है भाई, सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए पौधे तैयार किए जाते हैं। ये देखो इधर कटहल के पौधे यहाँ से तैयार किए थे, उधर जिस दिन आपने देखा था उधर कटहल के पौधे लगा रखे थे। इस तरह से जो है कट्टों में मिट्टी भर के बीज डाल के उनको तैयार किया गया है। यहाँ पर जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो बेस्ट वेराइटी के तैयार किए जाते हैं भाई, बेस्ट एंड बेस्ट वेराइटी के, ताकि जो अपने पौधे अपन लगाएँ तो वो एकदम मस्त वाली वेराइटी लगे। इस तरह से जो है इस हाइट पे काटा जाता है इनको, ताकि जो है काटने पर क्या होता है कि इनकी जो नए नए कोपले निकल आती है और उनमें फूल अच्छे आते हैं। टाइम टू टाइम कटिंग करना इनका बहुत ज़रूरी है, वरना फूल फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं और क्वालिटी भी सही नहीं आती है फूलों की। फूलों की जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है, तो इनको टाइम टू टाइम कटिंग करना इनका बहुत ज़रूरी है। इस समय कटिंग करने से क्या है, ये भी इनके नई जो है डालियाँ फूट आएंगी और सर्दी में मस्त वाले फूल आएंगे, एकदम भरे भरे से खुशबूदार मज़ेदार, तो फिर गार्डन की रौनक बढ़ जाती है फिर सर्दियों में फूलों से। भैया देखो यार वो तो भाई काम के साथ साथ मौज मस्ती भी कर रहा है, मुझे भी लटकना है। गया भाई दीदी के पास, मुझे भी लटका दो दीदी, आप जैसे लटक रहे हो झूला झूल रहे हो, मुझे भी झूला झूलना है। ए देखो हो गया भाई इसका तो काम। यहाँ झूला झूलेगा, ये लटका दिया इसको भी, इधर लटका दिया इसको भी, ये बदमाश को लटका दिया भाई, इधर लटकेगा ये। और हमारे टीम के अन्य सदस्य भी आ गए हैं, अरेस आ चुके हैं भाई मैदान में, ये हमारे गार्डन टीम के लीडर, इन सब के लीडर एंड ट्रेनर, इनकी भी बहुत तगड़ी हॉबी है गार्डनिंग की। अगर गार्डन में आ गए तो भले से कितना भी काम हो उस काम को छोड़ देना है भाई, होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होगा, गार्डन का काम करना है पहले। तो गार्डन से बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव है हम सभी को, गार्डन की मस्त रौनक कर रखी है भाई। और इसकी रौनक की वजह से ही सभी घर वालों की,
सभी फैमिली मेंबर्स की रौनक इसी तरह से हो रखी है गार्डन की जैसे, बिल्कुल खिली खिली फुली फुली सी खुशबूदार। ये है अपना गार्डन, खूबसूरत हरा भरा प्यारा प्यारा, ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया अपना गार्डन। आखिर भाई केयर भी पूरी तरह से करते हैं इसकी, तो खूबसूरत होना ही है। टाइम टाइम पे इसका मेंटेनेंस देख रेख की जाती है। ये देखो, देखा भाई जो है ये गमलों को आरू इधर से उधर सही जगह पे टिका रही है, उठ नहीं रहा गमला तो इसको लुड़का लुड़का के पहुंचा रही है, लेकिन पहुंचाना है भाई, ये इसका काम है। ये आपके लिए भाई है, ये आप लोगों के लिए है प्यारा सा फूल। इस गार्डन की तरफ से आप लोगों को सब प्रेम भेंट है भाई। देखो भाई मेहनत ही है भाई सारे बच्चे, अरे इंटरेस्ट से कर रहे हैं सब, मज़ा आता है इनको गार्डन का काम करने में। स्कूल की छुट्टियां चल रही है अभी, 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो ये पूरी तरह से अपने जो इंटरेस्ट का काम है, अपनी हॉबी वाला काम है, उसको निपटाने में लगे हुए हैं भाई। करना भी चाहिए भाई अपनी हॉबी को, जो है जब भी टाइम मिले अपनी हॉबी को कम्प्लीट करनी चाहिए। उससे यह होता है एक अलग ही रिफ्रेशनेस और अलग ही क्रिएटिविटी और अलग ही एनर्जी जो है अपने अंदर फ्लो होने लग जाती है, क्योंकि रूटीन वर्क से हम थक जाते हैं। तो हमें अपनी हॉबी वाला काम तो ज़रूर करना चाहिए भाई। सबको अपनी अपनी जो भी हॉबी है, किसी की डांस है, किसी की बुक्स पढ़ना है, किसी की गार्डनिंग करना है, किसी का जो है ट्रैवलिंग करना है, तो ये जैसे भी टाइम मिले हम सबको करनी चाहिए भाई। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका हमारे मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट पे, जो हमें जो है आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करती है। ये शाबाश शाबाश दीदी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो इस गमले में जो है नया पौधा लगाया जाएगा, तो इसमें पहले भरी जा रही है बारीक बारीक भुरभुरी मिट्टी, ताकि पौधे की जड़ें जो है अच्छे से चल जाए। और ये इनको बताए भाई, ये जो है वेल ट्रेंड बंदे हैं भाई गार्डनिंग वाले, ये बड़ा मज़ा आ रहा है इन जगह। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा कंपोस्ट का। अरे ये देखो ये गमले में उतरने लगे, अरे भाई पौधा लगाना है अपन को भाई, अपन को नहीं लगना है इसके अंदर, ये तो गमले में उतरने लग गया। ये सोच रहा है यार पौधा नहीं लगे इतने, अपन इसका मज़ा ले लें। ये देखो आराम से, ये देखो पंगा हो रहा है भाई। अरे भाई लग जाएगी बच्चों, इसको एक तरफ रख दो, काम नहीं आ रहा हो तो मेरे को चाहिए भाई। अरे भाई उसकी लोग सकती है ना गोलू, उसकी लोग सकते हैं मेरे गोलू, है ना, इसलिए दीदी ने लिया है वो, है ना, लग जाती है। अरे भाई ये लो, ये तो नाराज़ हो गए भाई। तो फ्रेंड्स ये लगाया पौधा आज, हेज का पौधा है इसमें, और इसको पिलाया जा रहा है पानी अभी, पिलाया अभी इसको लगाया है, उसको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से इसकी जड़ों पे चिपक जाए और अच्छे से जल्दी से ये जो है स्टार्टिंग ले ले, ग्रोथ करने लग जाए फटाफट से। और इधर दुष्यंत भी पिला रहा है, इधर भी कुछ पौधे लगाए हैं, फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों के पौधे। वो देखो इनकी जो है, जो पहले के पौधे थे उनमें कंपोस्ट वगैरह डाला है, उनकी खुदाई की है, पोली भुरभुरी कर दी उनकी मिट्टी को, ताकि जो पौधे अच्छे से चलें और जो उसमें कंपोस्ट खाद डाला है उसको अच्छा से जो है एब्जॉर्प्शन कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारा आज का टास्क हो गया है कम्प्लीट, और यहीं पर करते हैं हम आज के ब्लॉग को फिनिश। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।